बेबी जेस को क्या चाहिए? वाह, तुम्हें केक चाहिए? ठीक है, यह किया जाएगा, है ना दोस्तों? सब कुछ जितना संभव है उतने अच्छे तरीके से किया जाएगा। चलो मेरे बहुत स्वादिष्ट केक के लिए बैटर बनाने के साथ शुरू करें। मुझे आटा, चीनी, दूध और एक टूटे हुए अंडे को मिलाने की जरूरत है। तैयार। अब सीक्रेट सामग्री, लाल स्ट्रिंगी मीठा गर्म स्ट्रॉबेरी सिरप। आपने क्या सोचा? खून? नहीं, बेबी जेस को यह पसंद नहीं आएगा। खैर, यह काफी है। अब इसको चिकना होने तक सब कुछ मिक्स करना होगा। एक गोल सांचे में डालें और पूरी तरह से पकने तक 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। यह सही होना चाहिए। हाँ, बढ़िया, इसे रख दिया। मेरा केक तैयार हो गया है। इससे अद्भुत खुशबू आ रही है। अब इसे ठंडा होने दे और फिर इसे समान गोलाकार में काट ले। मेरा केक शानदार होगा। जरा देखो मेरा केक कितना चिकना है। कोई भी केक स्वादिष्ट क्रीम के बिना काम नहीं कर सकता। अब हम बहुत सारे क्रीम के साथ इसकी लेयर्स बनाएंगे ताकि यह मीठा और रसदार हो। मुझे लगता है कि मेरे केक में थोड़ा रंग का उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कुछ हैंडमेड रंगीन चॉकलेट पड़ी थी। अब हम इसे पानी के साथ में पिघलाएंगे और मेरे केक के लिए एकदम सही आइसिंग हमें मिल जाएगा। हाँ, यह बहुत अजीब लग रहा है, खास करके सबसे अच्छे केक के बारे में तुमने जो कहा। मैं अपने केक के लिए न्यूटेला का उपयोग करूंगी, लेकिन इतना छोटा नहीं, बड़ा। यह काफी होना चाहिए। चलो पहले इसे चख कर देखें। खाना पकाने के दौरान चखना बहुत जरूरी है। वाह, मेरे लिए बहुत ही कम था, मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पता नहीं चला। ओह ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है। मेरा मतलब है मैंने इसे चख लिया है। अब हम एक केक बना सकते हैं। इसके दीवारों पर अभी भी थोड़ा न्यूटेला बचा है। आटा, अंडे, चीनी और सब कुछ मिलाएं। तैयार। चलो इसे अच्छे से मिला दिया। हाँ, और अब इसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं। ओह, और ये जार तो बहुत बड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक आयरन मैन का हाथ है जो यहाँ कहीं रखा हुआ था। वह मुझे जल्दी से केक बनाने में मदद करेगा। और सब हो गया। अब हम इसे बाहर निकालेंगे, इसे कैंडिड से सजाएंगे और बस। M&M कैंडीज, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत सारे, बहुत सारे और बहुत सारे। ओ, मेरा केक अब पक गया है। अब बस एक सेकंड में मैं उतर रहा हूँ। ओ हाँ, चलो अब देखता हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे बराबर भागों में काटने जा रहा हूँ। यह अच्छी बात है कि मेरे पास लंबे और तेज नाखून है। तैयार। अब केवल व्हिप्ड क्रीम को सभी केक पर अच्छे से लगाना बचा है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि व्हिप्ड क्रीम वैम्पायर्स को बहुत पसंद होता है। और अब इसे अच्छे से मिला दिया। बढ़िया, अब मुझे कुछ डेकोरेशन चाहिए। चलो मकड़ियों, केक पर आ जाओ। यह जादुई है। ओ, मेरी चॉकलेट पिघल गई है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाहती थी। अब सब कुछ एक कटोरे में डालें, लेकिन मिक्स ना करें, यह जरूरी है। और कटोरे से हम इसे अपने स्वादिष्ट केक पर डाल रहे हैं। जरा देखो कि यह कितना रंगीन है, बस देखते रहने का मन कर रहा है। बढ़िया। वाह, क्या सभी तैयार है? बेबी जेस, केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वाह, चलो देखती हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं इस चॉकलेट कपकेक से। इसे काटती हूँ। ओह, ये कितना कड़ा है, पर शायद इसका स्वाद अद्भुत होगा। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ओह, कितना भयानक। नहीं, और यहाँ क्या है? यह केक बहुत रंगीन दिख रहा है, मैं इसे खाकर देखना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। वाओ, और यह क्या है? मकड़ियाँ। क्या उन्होंने इसे पेंट्री से बाहर निकाला? उफ़, यह भयानक तो है, लेकिन चलो इसे ट्राई करते हैं। यह दिख अच्छा रहा है।
चलो। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मुंह में क्या है? रुको, क्या? छी, यह मकरी है। ओहो, अरे नहीं, यह भयानक केक है। नहीं, यह विनर केक है। ओह धन्यवाद जेस, तुम्हें स्वाद की पहचान है। इस बार मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? मीठा वाला। कोई बात नहीं जेस, अब चलो अपने जीवन का सबसे अच्छा पॉपकॉर्न बनाते हैं। मुझे लगता है पृथ्वी के सबसे शानदार शेफ होने के नाते ये क्लासिक पॉपकॉर्न बनाना मेरे लिए बहुत आसान होगा, इसलिए मैं इसे चॉकलेट में पकाऊंगी। अब मैं चॉकलेट मोल्ड में मकई के दाने और थोड़े मार्शमेलो डालूंगी और फिर एक दूसरे चॉकलेट गोले के साथ सब कुछ बंद कर दूंगी और यहाँ यह फुलझड़ी लगाऊंगी। मेरे पास चॉकलेट गोलार्ध है। आह, यह बहुत फनी लग रहा है। मैं क्लासिक पॉपकॉर्न बनाने जा रहा हूँ जो बेबी जैस को निश्चित रूप से पसंद आएगा। और मेरे पास मकई पॉपकॉर्न होगा, लेकिन मैं मकई को कैसे निकालूं? हाँ, एक आइडिया है। मैं इसे ऐसे ही पैन में डालूंगी और गर्म करूंगी और ऊपर से स्किटल्स डाल देती हूँ। चलो, ढक्कन बंद कर दिया और थोड़ा इंतजार करना होगा। ओ ओ, मैंने कुछ विस्फोट सुना है। चलो देखता हूँ। बस इस पैकेट को खोलना बाचा है। और ये मेरे दांत, तुम्हें यह कैसा लगा? तुम चाहते हो मैं तुम्हारा सारा जूस पी जाऊं? यह भयानक था। बस आदमियों का खाना मुझे पसंद नहीं। और अब मैं थोड़ा डेकोरेशन करूंगा। यह एक सरप्राइज होगा। मैं कंकाल को यहाँ छुपा देता हूँ और चॉकलेट सिरप ऊपर से डाल देता हूँ। यह तैयार है। अरे बाप रे, यहाँ इतनी जोर से क्या बज रहा है? वाह, यह तो कमाल हो गया। चलो इसे प्लेट में रखती हूँ। हम तैयार है। वाह, सब कितना सुंदर दिख रहा है। और यह क्या है? बम? ये विस्फोट हो गया। ये पूरे मेरे चेहरे पर लग गया है। और यह क्या है? यह क्या है? यह तो असल में स्वादिष्ट है, पर यहाँ क्या है? कंकाल? अरे भयानक, अब तो इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा है। और यह क्या है? वाह, चलो इसे खाकर देखती हूँ। कितना स्वादिष्ट है, मुझे सच में ये पसंद आया। यह पॉपकॉर्न जीतता है। हुरे, मैं जीत गई। तो आखिरी चीज जो मैं आपसे खाना चाहती हूँ वह है डोनट। जल्दी करो और इसे बनाओ, मुझे अभी भी भूख लगी है। तो क्या सभी तैयार हैं? तो फिर चलो काम पर लग जाओ। ड्रैकुला कुछ सोच रहा है। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम इतनी तेजी से क्या कर रहे हो? मेरा डोनट तैयार है, आपको यह कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ और ड्रैकुला ने इतनी जल्दी डोनट कैसे बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ कोई स्पीड में खाना बनाने की कंपटीशन नहीं हो रही है, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। और क्वालिटी के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ और दुनिया में सबसे स्वादिष्ट डोनट्स की गारंटी देती हूँ। अब हम पहले डो तैयार करेंगे और फिर हम फ्राई करेंगे। और अभी मेरे जन्मदिन पर मुझे यह उपहार भी मिला था। मैं इस गैजेट का उपयोग करूँगी और डोनट बनाऊंगी। बस घोल तैयार है, अब इसे मोल्ड में डाला। और अब यह सुरक्षा का उपाय, थोड़ा आग, एक असली फायर शो होगा। आपको यह कैसा लग रहा है? और मैं एक ब्रेड डोनट बनाऊंगी। यह बहुत स्वादिष्ट ब्रेड है, इसलिए इस पर शक मत करना। हाँ, और मुझे एक गोल आकार चाहिए और मेरे फेवरेट चिप्स गोल आकार के हैं। मैं उसे निकाल देती हूँ और मैं इस डब्बे से गोल डोनट काट सकती हूँ। बिल्कुल सही।
और अब चलो मेरे पिछले कराटे सबक याद करते हैं। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होना चाहिए। और यह कभी नहीं भूलने वाला फिंगर स्ट्राइक मेरा सिग्नेचर मूव है। तो हम सभी डोनट्स फैलाते हैं और व्हिप्ड क्रीम लगाते हैं और थोड़ा नर्ड कैंडी। ओह, सब लोग सब कुछ कितना बोरिंग कर रहे हैं। शेक क्या कर रही है? उसके डोनट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यह नहीं हो सकता, वो अभी गुलाबी फज डाल रही है। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। एक डोनट हमें क्या याद दिलाता है? बिल्कुल सही, एक स्विमिंग रिंग की। और स्विमिंग रिंग कहाँ होते हैं? बिल्कुल सही, पूल में। तो चलो पूल में एक कूल पीच बनाते हैं और हम खिलौना पूल को रंगीन स्प्रिंकल से भर देते हैं, डोनट डालेंगे और प्यारी बार्बी को बिठाएंगे। तैयार। यहाँ सभी मेरी तरह प्रतिभाशाली नहीं है। तुम लोग बच्चों के स्वाद को बिल्कुल नहीं समझते हो। मुझे पता है कि वे मेरे जैसे मॉन्स्टर से प्यार करते हैं। अब मैं दांत, पंख, एक आंख और थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगा। तैयार, बढ़िया। वाओ, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो आगे देखती हूँ, आगे और क्या है। ओह, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, पर चलो खा कर देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, और ये बहुत मीठा भी है, प्यारा भी। और यह डोनट कैसा है? वाह, इस दांत के साथ तो यह बहुत मजेदार है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। और यह क्या है? वाह, कितनी सुंदर बार्बी है। और क्या यह डोनट है? कितना सुंदर स्प्रिंकल्स है। मुझे इसे जल्दी से खाने का मन है। जादुई, यह डोनट जीतता है। हाँ, यह सबसे अच्छा कौन है? मैं हूँ। नहीं जैस, तुम्हें कहना होगा मेरा डोनट सबसे अच्छा है। तुमने गलती की। तुम बताओ, ड्रैकुला का डोनट सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ओहा, क्या तुमने देखा नहीं? क्या बेबी मार्गो, तुम क्या चाहती हो? और तुमने वॉफल ड्रॉ किया है। क्या तुम लोग इसे संभाल सकते हो? मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान है। माइली, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम वॉफल बनाना नहीं चाहती? सच कहूँ तो नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ सुधारने की कोशिश करूँगी। क्या हमेशा किसी तरह के बेकिंग में जाना है? बेशक, आटा यहाँ यह निश्चित रूप से हर जगह है, और जितना संभव हो उतना चीनी डालो। चलो अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। मार्गो को सब मीठा पसंद है। हाँ, इसका स्वाद तो अच्छा है। चलो, मीठा बैटर तैयार है और वॉफल आयरन कहाँ है? हाँ, यह रहा। हम इसे खोलते हैं और इसमें अपना स्वादिष्ट बैटर डालते हैं। वाह, मुझे पता चला कि खाना बनाना बहुत आसान है। क्या मैंने सभी सामग्री को मिलाया? क्या मुझे स्वादिष्ट वॉफल मिलेंगे? यहाँ कोई है? ठीक है, वॉफल आयरन काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं स्टोव पर डाल देती हूँ। अरे नहीं, ये तो जल रहा है। अब मेरा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अब माइली छोटे आग को बुझा देगी। घबरा मत, हो गया। तो क्या तुम तैयार हो? तो मेरा वॉफल कैसा है? ओ नहीं, मेरा वॉफल जल गया। मैंने अपना स्वादिष्ट वॉफल बैटर पहले ही बना लिया है, केवल तलना बाकी है। लेकिन मैंने सामान्य डिजाइन का पालन नहीं करने का फैसला किया है, जो हर छोटे मोटे शेफ करते हैं। मैं सुंदर फ्लफी वॉफल बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक भालू और एक बनी एक साधारण डिजाइन की तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक, मेरे प्यारे सेवक, तुम्हारे समर्पण और मदद के लिए धन्यवाद। यह बैटर बिल्कुल फिट नहीं है, मुझे लगता है उसमें कुछ मिसिंग है। उदाहरण के लिए मेरी फेवरेट आंखें। चलो एक खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है, मुझे इसे बैटर में जोड़ने से पहले इसे खाकर देखना था। यह जहरीले तो नहीं है? और मैंने इसे खाकर भी देखा। यह ठीक उसी तरह का बैटर है जिसे मैं आयरन में डाल सकती हूँ। यह हो गया। और तुम क्या कर रहे हो मिस्टर शेफ? मैं? रुको, तुमने मुझे क्या कहा? ठीक है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं इस चुनौती को जीतने की कोशिश में व्यस्त हूँ। व्हिप्ड क्रीम की एक फिलिंग डालते हैं। वाह, अब दूसरी वॉफल को कवर बनाएंगे और फिर मैं सर्व कर सकता हूँ। हाँ, यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। उसके पास कोई मौका नहीं है।
थिंग, तुम्हें पता है क्या करना है? थिंग, तुम वेंसडे की बात मानोगे? तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें इन शरारतों की जरूरत क्यों है? ओ, मिस्टर शेफ मिस्टर गिगलर बन गए हैं। या क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये क्या हो गया? एक पैरासाइट, यहाँ से निकल जाओ। ओ, मेरे परफेक्ट वॉफल से दूर हो जाओ, तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ओ नहीं, ओ नहीं, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने खुद के वॉफल को बर्बाद कर दिया? मैं इसे कैसे ठीक करूं? क्या हर कोई तैयार है? चलो ये खाते हैं। मार्गो, खाना आ रहा है। आह, यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओ चलो मैं इसे ट्राई करके देखती हूँ। बुरा नहीं है। और इस सीक्रेट बॉक्स में क्या है? चलो इसे खोल कर देखती हूँ। वाह, ये गमी आँखों के साथ वॉफल है। ये स्वादिष्ट और डरावना दिखता है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। ये कैसे स्ट्रेच हो रहा है? वाह, वेंसडे का वॉफल जीत गया। वाह, जीतने पर वेंसडे को बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्गो, तुम क्या चाहती हो? एक मिल्क शेक? यह हो जाएगा। हाँ दोस्तों, क्या हर कोई यह बना सकता है? हुर्रे! तो मैं इस अद्भुत ग्लास को चॉकलेट सिरप से सजाकर शुरू करूंगा। केवल सच्चे पेशेवर ही ऐसा करते हैं। अब चॉकलेट लगे ग्लास को रंगीन क्रंची स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। ग्लास अभी से बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम एक ब्लेंडर ले सकते हैं और खुद एक नाजुक ड्रिंक बनाना शुरू कर सकते हैं। एक मिल्क शेक। बेबी मार्गी को यह जरूर पसंद आएगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। मुझे केवल ताजा दूध और अपनी पसंदीदा आइसक्रीम जोड़ने की जरूरत है। मार्गो को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए कॉकटेल स्ट्रॉबेरी होगी। बस इसे मिला दिया और अब ग्लास में डाला। बढ़िया। और आखिरी टच मीठी सजावट है। हमें इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते, बहुत आसान है। और वेंसडे क्या कर रही है? तो क्या सब कुछ तैयार है थिंग? लैब असिस्टेंट ने पूरी तरह से अच्छा काम किया। मेरा लैब तैयार है। मैं बेबी मार्गो के जीवन का सबसे शानदार मिल्कशेक बनाऊंगी। मुझे बस सीक्रेट लिक्विड्स के साथ कुछ टेस्ट ट्यूब भरने की जरूरत है। हाँ, यह बहुत ही सीक्रेट रेसिपी है। जितना संभव हो उतने रंगीन लिक्विड्स और उसकी बहुत कम बूंदे। अब हम मिक्सचर के दूसरे फ्लास्क में डिस्टिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। थिंग, फ्यूज लाइट, जल्दी करो। वाह, यह बेहतर है। हमारे खतरनाक रूप से स्वादिष्ट मिक्सचर को गर्म करना है। तो उबलना और स्टीम शुरू हो गया है, इसलिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। हमें ड्राई आइस के 2 क्यूब्स चाहिए। सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ग्लव्स पहनते हैं। हम अपने ड्रिंक को एक ग्लास में डालते हैं। मैं मिल्कशेक सजा चुका हूँ। कूल है ना? नहीं, यह सही शब्द नहीं है, यह जादुई है। वाह, वेंसडे और शेफ के पास ऐसे कूल मिल्कशेक है और मैं क्या करूँ? यह सही है, यह मेरा फ्रिज है। हमें यह पता लगाना होगा कि वहाँ क्या काम है। वाह, यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक ग्लास में बर्फ डाला और देखो मैं जीनियस हूँ। एक रिबन गम, थोड़ा खट्टा लिक्विड कैंडी, खट्टा पाउडर भी जोड़ना जरूरी है। वाह, और कैंडी के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, और कैंडी के बहुत सारे टुकड़े और साथ ही स्प्राइट और फैंटा। यह महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है ना? यह अच्छा। चलो इसे बंद किया, मिलाओ और परोसो। बढ़िया। और इस स्ट्रॉ के बारे में भी नहीं भूलना है। वाह, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सब कुछ इतना जादुई और स्वादिष्ट लग रहा है। यह हरा स्टीमिंग कॉकटेल सबसे दिलचस्प है, हमें आजमाना चाहिए। कितना खट्टा! मैं इसे फिर से ट्राई नहीं करूंगी, भयानक। वाह, क्या ये चीनी टावर है? क्या ये सब मेरे लिए है? चलो पी के देखती हूँ। वाह, यह सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहती थी। वाह, इसके अलावा मीठा सजावट। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे हराया जाए। ओह, एक और, मैं लगभग तुम्हारे बारे में भूल गई थी। चलो पीती हूँ। ओह, शुगर रश हो गया। ये कितना स्वादिष्ट है। चलो मैं इस नीले कॉकटेल को चुनती हूँ, यह सबसे अच्छा है। तुम और क्या चाहती हो?
वाओ, ये जैम के साथ टोस्ट, ये तो बहुत आसान है। एक पेशेवर के रूप में मैं तैयार ब्रेड पकाने या खाने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह सिर्फ आर्टिफिशियल है, यह स्वादिष्ट नहीं है। मैं खुद ब्रेड बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे मेरी माँ ने दिया था और उसे उसकी माँ ने, और ऐसे ही यह चलते गया। मैं अपनी छोटी मार्गों को नियमित ब्रेड नहीं परोस सकता। वो एक विशेष लड़की है, इसलिए उसके लिए एक अनोखी इंद्रधनुषी ब्रेड है। सब कुछ मिलाए जब तक ये पूरी तरह से रंगीन ना हो जाए। आटा रोल करना है और सभी परतों को एक दूसरे के ऊपर रखना बाकी है। हम अपने मीठे इंद्रधनुष बन को मोड़ते हैं और केवल बेक करना बच गया है। क्या आप पहले से ही ताजी ब्रेड की इस अद्भुत सुगंध का अनुमान लगा रहे हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। हम इंतजार कर रहे हैं। मैं केवल अपनी तकनीक में खाना बनाती हूँ। मेरे गॉथिक टोस्टर को देखो, इसमें मैं इस साधारण दुर्भाग्य से गॉथिक ब्रेड नहीं डालूंगी। इसे भूरा रंग का हो जाना चाहिए ताकि यह क्रिस्पी हो जाए। थिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा टोस्टर तोड़ दिया? या रही, मेरा टोस्टर पूरी तरह से काम करता है। मुझे आग पसंद है, लेकिन दूसरे इससे घबराते हैं। बेबी मार्गो जैम चाहती थी, लेकिन वह तीखे टबैस्को सॉस के बारे में कैसा महसूस करती है? मुझे लगता है कि अगर उसका मुंह थोड़ा गर्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरा ब्रेड तैयार है। मैं इसे खुद खाने से रोक रहा हूँ, लेकिन यह स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काटते हैं। वाह, बढ़िया। यह थोड़ा अलग है। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर देंगे। वाह, अब इसकी बात अलग है। बिल्कुल सही। ऊपर व्हिप क्रीम डालते हैं और फिलिंग के लिए सभी फल और बेरीज भी डाल देंगे। वाह, क्या बढ़िया मीठा सैंडविच है। कलिनरी मास्टरपीस के लिए मेरा नोबेल प्राइज कहाँ है? और मैं ब्रेड के भूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, यह हो गया। हुर्रे, ये बहुत सुंदर है। यह अच्छा है कि जला नहीं। मैंने बहुत सावधानी से इसका पालन किया था। मैं बहुत अच्छी हूँ। और न्यूटेला के बिना टोस्ट कैसे हो सकता है? मीठा चॉकलेट न्यूटेला। मैं पहले से ही मार्गों से जल रही हूँ। मैं रोक नहीं सकती। यह उंगलियाँ चाटने लायक है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह, ये अटक गया। वेंसडे, मेरी मदद करो। बेशक, केवल बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो थिंग के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। चलो। अरे नहीं नहीं, मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे पास गमी रिबन है। हाँ, हमें उन्हें टोस्ट पर रखना होगा। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। चलो इसे थोड़ा गर्म करते हैं ताकि यह पिघल जाए। अरे, मेरे टोस्ट कहाँ है? क्या हर कोई तैयार है? बढ़िया बात, नहीं तो मार्गो गुस्सा हो जाती। जल्दी ट्राई करो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह तस्वीर की तरह दिख रहा है और इसकी फीलिंग बहुत सुंदर है। चलो मैं यह खा कर देखती हूँ। थोड़ा सूखा है लेकिन चलेगा। और हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, स्कल पर ठीक लग रहा है। ये वेंसडे का है। अरे अजीब, अरे नहीं, मिर्च, तीखा, बहुत तीखा। यह वह नहीं था जो मैं चाहती थी। ओह, और यहाँ क्या है? शायद कुछ सुपर स्वादिष्ट। ये बहुत अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। वाह, यह एकदम सही है और स्वाद सिर्फ एक डेलिकेसी है। यह रेनबो टोस्ट जीतता है। वाह, शेफ जीत गया। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करो। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, ये किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है।
केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, यह बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही, आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है, अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है, मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है, मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर, मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह झींगा, मैं इसे खाना चाहूंगी, ये स्वादिष्ट लग रहा है, इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है पर कोई खास नहीं। ओह यह बहुत चीज है, मुझे वह पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है, आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह यह गम है, कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है, और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह मैंने ये किया। मैं अगले डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या सॉसेज को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड तुम बहुत बुद्धू हो, हम कच्चे सॉसेज को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर तेल गर्म हो गया, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह यह क्या हो रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला, ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह क्या खुशबू है। ओह बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है, अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है। और यह तैयार हो गया। ओह कितना तीखा है, बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेज तलने का फैसला किया है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? आह, कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी, यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉस पैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है, मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ, इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा, तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है, यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है, डो अच्छा है पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है,
ओह क्या क्रस्ट है, मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, पहले नजर में ये अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है।